देखो गाइस, 20 डेज से भी कम टाइम बचा है आपका सीए फाउंडेशन जून 2024 के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि ये स्किप कर देता हूं मैं अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा से स्कोर कर पाऊंगा, अच्छा से क्लियर कर पाऊंगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हो, क्योंकि सीए फाउंडेशन का ये अटेम्प्ट ना सबसे ईजी आने वाली है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखो ना, तो आप क्लियर कर लोगे अपना सीए फाउंडेशन जून 2024 इसी अटेम्प्ट में, और वो भी बहुत आसानी से। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा आर्टिकल शिप चल रहा है अभी डेलॉइट में, और मेरा भी सीए फाइनलिस्ट स्टूडेंट हूँ। तो आप लोग का मैं किस तरीके से, तो मेरा जब सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट हुआ था ना, किस तरीके से मैंने पढ़ाई किया था, आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, और अगर आप लोग चैनल में नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सीए फाउंडेशन साथ साथ सीए इंटरमीडिएट बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो डाल साथ साथ आप लोग का जब भी वैकेंसी निकलेगा ना आर्टिकलशिप करने के लिए, आप लोग जब सी इंटरमीडिएट क्लियर करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, तो बिग फोर में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, जब भी वैकेंसी निकलेगा मैं आप लोग के लिए वीडियो डाल दूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका सीए जर्नी के लिए, और कैसे स्किल्स आप लोग को इंक्रीज करना है, किस तरीके से आप लोग को इंटर्नशिप करना है, सारी इसी चैनल में आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की, सीए फाउंडेशन जून 2024 को इसी अटेम्प्ट में 20 डेज से कम टाइम में कैसे क्लियर करें। वीडियो के बढ़ाने से पहले ना अपना नाम के आगे सीए लगा के कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। देखो यार, जब मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, और मैंने एक मैराथन देखा, तो मैंने एक फैकल्टी मेंबर को बोलते हुए सुना था कि अपने नाम के आगे सीए लगा के देखो, कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कितना उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितना आप लोग को अंदर से मोटिवेट होना पड़ता है, हर एग्जाम को आपको पार करना पड़ेगा, फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल एक पूरा मैराथन है। अभी के लिए आप लोग जब अपना नाम के आगे सीए लगा के कमेंट कर रहोगे ना, मेरे लिए मत करो, अपने लिए करो। और देखो यार उस कमेंट को, जब आप लोग बन जाओगे सीए, और वो जब आप लोग ये वीडियो वापस आके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने कितना मेहनत किया है। अपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट ज़रूर करना, और हाँ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोज लेके आऊँ। टारगेट करते हैं 200 लाइक्स के लिए। बट मुझे पता है यार, अपना नाम के जब आप लोग सीए लगा के कमेंट करते हो ना यार, बहुत अलग फीलिंग आता है भाई। मैं अभी भी वो कमेंट देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे कितना मेहनत करना है आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्योंकि मैंने एबीसी एनालिसिस किया है। अब एबीसी एनालिसिस मतलब सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वेटेज दिया है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। तो सीए फाउंडेशन को अगर आपको क्लियर करना है ना, तो एबीसी एनालिसिस को रैंक वाइज पढ़ाई कर लो, आप लोग इजीली क्रैक कर लोगे। अब अगर आप लोग को मोस्ट वेटेड क्वेश्चंस जाननी है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर से देख सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं पहले ये बताता हूँ कि आप लोग कैसे क्रैक कर पाओगे। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलते हैं, और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले एक रीजन मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोग क्यों फेल होने वाले हो। मैक्सिमम जो 30% एवरेज रिजल्ट आता है पास आउट होने का, लेकिन 70% कहाँ फेल होते हैं। सबसे मेन रीजन होता है आपका लॉ, सेकंड आता है आपका मैथ्स, और तीसरा आता है आपका एवरेज नहीं बन पाना। ये तीन मेन रीजन होता है, क्योंकि आप लोग भी अगर सीए फाउंडेशन जून 2024 का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें भी देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट लॉ या फिर मैथ्स या फिर आपका एवरेज से, ये तीन में ही लुढ़क जाते हैं। तो आप लोग को प्रॉपर रिविजन करना चाहिए। आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो रिवाइज करते रहो लॉ को मैथ्स को, इससे क्या होता है कि आपका मेमोरी शार्प, मेमोरी का बार बार रिवाइज करने से आपका वो आपका छूटेगा नहीं, मेमोरी से जाएगा, ताकि आप लोग क्विक रिविजन कर सको। इसलिए बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स ना फ्लैश कार्ड का रिकमेंड करते हैं। मेरे हाथ में है रैंचो रिविजन का अल्ट्रा प्रीमियम शॉर्ट नोट्स। देखो ये बहुत इंटरैक्टिव है, कलरफुल है, और ये आपके पॉकेट में भी आ सकता है। जो कंटेंट है ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल से बनाया गया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीका से इन्होंने किया है। सारे फॉर्मूलाज, स्ट्रिप्ट सेंटेंस, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंटीग्रेटेड है। लॉ के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इसे परचेज करिए। अगर आप देखो ट्रैवल भी कर रहे हो ना कहीं पे, तो पॉकेट में रहेगा, तुरंत आप लोग निकाल के एक बार रिवाइज कर पाओगे। इसमें सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साथ साथ आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ये आप लोग का बहुत टाइम सेव करे। अगर आप सोते वक्त भी ना 30 मिनट इसको एक बार गो थ्रू कर लिए ना, मतलब आपका पूरा आईसीआई का स्टडी मटेरियल 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज हो जाएगा। ये मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ एवरी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को, जिनको रिवाइज करना है ना बहुत अच्छे तरीके से, इसे जरूर से परचेज करें, रिवाइज हो जाएगा। ये मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ एवरी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को, जिनको रिवाइज करना है ना बहुत अच्छे तरीके से, इसे जरूर से परचेज करेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और क्योंकि ये टॉप फैकल्टी मेंबर्स भी रिकमेंड करते हैं, तो आप इसे वाउच कर सकते हैं, इस पर भरोसा ले सकते हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स लास्ट मिनट 100% सिलेबस रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसके वजह से आपका ऑफकोर्स मार्क्स में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो जरूर से इसे परचेस करेगा, लिंक इसको ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी ये होता है कि आपको अकाउंट्स किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं,
जाते हैं कि थ्योरी को छोड़ के जाते हैं। देखो यार 20 मार्क्स का अप्रॉक्स 16 मार्क्स का 16 टू 20 मार्क्स का आपको थ्योरी पूछा जाता है अकाउंट्स पेपर में। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अकाउंट्स छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ प्लीज इसे करके जाइएगा। अब बहुत तो करना, साइकोलॉजी में क्या होता है कि मैं थ्योरी पढ़ूंगा ही नहीं और एग्जाम में थ्योरी छोड़ के आ जाऊंगा, यही साइकोलॉजी है। नहीं भाई, मैंने भी यही गलती किया था और मैंने चाहता नहीं कि आप लोग ये गलती करें, क्योंकि आपको कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफ या फिर बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि इस बार का न्यू स्कीम लागू हो गया है तो वो बहुत ज्यादा आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे पूछे जाएगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, थ्योरी को मस्ट डू करके जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको नहीं बन रहा है ना, अगर आप थ्योरी करके आ जाए तो ऑफ कोर्स आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे कोई भी ट्रिक नहीं पूछा जाता। तो वेटेज के हिसाब से आपको थ्योरी जरूर से करके जाना चाहिए। एग्जाम हॉल में आप लोग डिसाइड करिएगा कि आप लोग थ्योरी करो कि ना करो। दूसरा चीज ये आता है कि आपको वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करना है। अब ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा है कि एबीसी एनालिसिस आप लोगों को मैं बता के रखा हूं, ये जो शीट है पीडीएफ है उसके ऊपर जो मैंने ये वीडियो कहा था, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताई है जो आपको जरूर से करके जानी चाहिए। अकाउंट्स में ट्राई करना 80 प्लस लाने का, क्योंकि देखो यार आप लोग क्लास 11 12 में मेजर वाले स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स पढ़ के आए हो, तो आपको एक अच्छा बैकग्राउंड है आपके पास, एक अच्छा आपका जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अकाउंट्स में। क्योंकि आप लोग अगर 80 प्लस लेके आ गए अकाउंट्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस झलकेगा और बाकी सब में पॉजिटिविटी भी झलकेगा। अगर आप लोग 45 भी लेके आ गए लॉ पे या फिर इको में भी 40 लेके आ गए तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका 80 प्लस आ चुका है तो एवरेज का आपको चिंता नहीं करेगा। दूसरा आता है आपका लॉ। देखो यार लॉ में बहुत सारी चीजें बात करने को, प्रेजेंटेशन पे बात करना है, आप लोगों को किस तरीके से आंसर लिखना है ये बात करना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक्ट जो है वो पढ़ के जानी है। बहुत लोग बोलते हैं कि सेक्शन मुझे याद करना है कि नहीं, सेक्शन याद होना चाहिए या कि नहीं। देखो, और मैं बोलता हूँ कि सेक्शन याद करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सेक्शन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंटेंट मैटर करता है। अगर आपने गलत कोड करके आ गया ना सेक्शन नंबर, तो आपका नेगेटिव मार्किंग जरूर जाएगा, तो आप लोग बेहतर हो कि आप लोग ना लिखे। लेकिन हाँ, अगर आपका सेक्शन बहुत अच्छा तरीके से याद हो जाता है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप लोग ट्राई करिए, एक शीट बना लो, एक शीट बना के सारा फॉर्मूलाज की तरह जैसे आप लोग लिखते हो उसी तरीके से सेक्शन वाइज पूरा आप लोग लिख के रखो और एग्जाम से पहले उस शीट को देख के चल जाना। अगर आपको सेक्शन याद हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत कोट करके मत आना, क्योंकि उससे आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोग कोई भी फैकल्टी मेंबर से क्यों ना पढ़ रहे हो, लॉ के लिए आप लोग को स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, क्योंकि एक्ट में जो लिखा है एज इट इज आप लोग को लिखनी पड़ेगी। आपका जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब एज इट इज मतलब वर्ड बाय वर्ड मैचिंग करना उतना जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल जो कीवर्ड्स है वो मैच करना चाहिए, क्योंकि लॉ है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करेक्ट होता है और लॉ में इसी तरीके से, इसलिए वजह से मैं बोल रहा हूं। अब वो बहुत लोग बोलो कि भाई मैं रोबोट नहीं हूं जो एज इट इज रट्टा मार लूं, आपको वो नहीं बोल रहा, लेकिन कीवर्ड्स मैच करना चाहिए आपका। नेक्स्ट आता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अब देखो बहुत लोग को ना आपको एक्ट नहीं पता रहेगा, सेक्शन पता नहीं रहेगा। अब मान लो कोई भी एक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको वो एक्ट याद नहीं आ रहा, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डैश एक्ट, या फिर अकॉर्डिंग टू द इंटर पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कुछ LLP एक्ट, मतलब आप लोग अकॉर्डिंग टू द लिख सकते हैं एक्ट, ताकि उससे क्या था ना आपको सेक्शन नंबर को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, कोई क्वेश्चन पूछा गया उसका सेक्शन नंबर आपको याद नहीं आ रहा, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये प्रोविजन है, तो सेक्शन लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, आपको एक्ट लिख गए, ये चतुराई होता है, ये स्मार्ट वर्क हो गया। नेक्स्ट आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है, अगर आपको वो नहीं आता याद आता तो आप लोग को कैसे लिखना चाहिए, लिखना चाहिए आपको इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड दैट। इससे क्या होता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ा नाम कोट करने का, बट आप लोग ओवरऑल आप लोग लिख सके इट वो इट ऐसे लिख सकते इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड दैट, उसके बाद आप लोग कंटेंट लिख सकते फॉलोड। नहीं सकता आपको टेक्निकल वर्ड्स लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। देखो मैं लॉ में क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फेल होने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लॉ आप लोग अच्छे से करके जाओ। लॉ में आप लोग को लिखना है डिसाइडेड की जगह एग्रीड, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होती है लॉ के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, डिसाइड की जगह एग्रीड हो गया, टोल्ड की जगह आपको लिखना है ऑफवर्ड, अमाउंट की जगह लिखना है कंसिडरेशन, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स अगर आप लोग अपना पेपर में लिखोगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब देखो भाई एग्जामिनर को ऐसा ट्रीट करना है कि वो फोर्थ क्लास स्टूडेंट है, आप लोग को इसी तरीके से चल के जाना है, आपको सारा चीज उसमें शो करके आनी है। इस लॉ अगर आपको पूछा जाएगा आप लोगों को किस तरीके से आंसर लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है, प्रोविजन क्या कहता है एक्ट में। नेक्स्ट आता है आपको केस स्टडी कुछ दिया रहेगा उसके बारे में लिखो, केस स्टडी के बारे में थोड़ा कुछ लिख के आओ। फिर आता है आपको फैक्ट्स के बारे में लिखना है कि केस स्टडी में क्या क्या फैक्ट दिया, उसको पॉइंट 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 बाय पॉइंट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा।
और तीसरा चीज आता है आपका नेक्स्ट चीज आता है दैट इज फोर्थ थिंग दैट इज केस कंक्लूजन आपका, कि आपका वर्डिक्ट क्या है। कुछ उस पर लिखा है कि गन पकड़ के आपको एक एग्रीमेंट साइन करवा दिया, तो आप लोग को पूरा पहले प्रोविजन लिखना है, उसके बारे में लिखना है फैक्ट्स कि गन पकड़ के गया, फिर फैक्ट्स के बारे में पूरा लिखो, केस स्टडी के बारे में लिखो, फिर गन पकड़ के वो साइन करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्स के बारे में लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। तो इस तरीके से आप लोग को पूरा फ्रेम करना है एक केस लॉ के लिए। नेक्स्ट आता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग टू द पॉइंट लिखने का सोचते हैं लॉ में। देखो भाई, आप लोग लॉ में जितना घुमा फिरा के आप लोग आंसर लिखोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। सिंपल एंड सिंपल बोलूँ, एक्टिव एंड पैसिव में खेलो। जितना आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस में खेलोगे एग्जाम पेपर में उतना आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा अंडरलाइन करना चालू कर दो कीवर्ड्स को, क्योंकि इससे क्या होता है, इंप्रेशन बनता है कि एग्जामिनर सिर्फ उसी को देखेगा जो अंडरलाइंड है। देखो यार, एग्जामिनर के साथ आप लोग मान के चलो कि वो फोर्थ क्लास स्टूडेंट है, उसको कुछ नहीं पता, तो आप लोग उसी हिसाब से आंसर लिख के आना। अगर आपको कुछ भी पूछा गया एग्रीमेंट टू सेल के बारे में लिखा गया, तो आप लोग एग्रीमेंट के बारे में लिखो, सेल के बारे में लिखो, क्या क्या उसके अंदर आता है, क्या क्या प्रोविजन है, उसके एक्सेप्शन है, उसके बारे में लिख के आना। अब बहुत बोले कि भैया इससे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ऑफकोर्स लॉ में आपको हाथ बहुत जल्दी चलाना है। फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको लॉ में बहुत ज़्यादा हाथ चलानी है, क्योंकि लॉ में आप लोग अगर अच्छा स्कोर कर दे ऑफकोर्स आप लोग इजीली क्लियर कर जाएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगा। मैथ्स में जो है ऑफकोर्स मैंने ऑलरेडी ABC एनालिसिस डाल के रखी है, मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता के रखा है। स्टैटिस्टिक्स आप लोग जरूर से करके जाइएगा, वो इंपॉर्टेंट आता है। अब देखो मैथ्स का नाम क्वांट एप्टीट्यूड हो चुका है, मुझे पता है, तो आप लोग करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, MCQs इसमें आती है। अब MCQs का आपको बहुत ध्यान से आप लोग को सॉल्व करना है, OMR शीट ना बहुत ध्यान से बनना। पिछले बार मेरा एग्जाम्पल ले लो, OMR शीट में फोर्थ का आंसर D था और फिफ्थ का आंसर B था, मैंने उल्टा करके आ गया। तो ये आप लोग को नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग पैनिक हो जाओगे। मैं भी थोड़ा सा हो गया था, बट मैं काम डाउन करके एग्जामिनर को जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर था उससे मैंने बात किया, वो हो गया सही। नेक्स्ट आता है आप लोग को क्या करना है प्रेजेंटेशन पे। देखो यार, दो सब्जेक्ट है जो कि प्रेजेंटेशन मैटर करता है, दैट इज अकाउंट्स और दूसरा आपका लॉ। अकाउंट्स में आपको, अगर आप लोग CA स्टूडेंट हो ना, CA के हिसाब से पढ़ाई करो, CA अपने आपको CA मान लो। अकाउंट्स में आपको पूरा अच्छे तरीके से सारा लेजर बनाना है। जब भी आप लोग कुछ बना रहे हो तो हेडिंग लिख के आना। अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले तो आप लोग जब बैलेंस शीट लिख रहे हो तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 2024 जो भी लिखा रहेगा आप लोग को वो लिख के आनी है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिख रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ये स्टेटमेंट लिख के आनी है। अगर आप लोग कोई लेजर बना रहे हो पर्टिकुलर अमाउंट, ये लिख के आनी है। जर्नल एंट्री लिख रहे हो, नरेशन जरूर से लिख के आना। डेबिट और क्रेडिट का अलग से हेडिंग लिख के आना। जितना आप लोग प्रेजेंटेशन पे काम करोगे एग्जामिनर उतना खुश होगा। आप लोग कुछ भी और अगर आपका कंपनी का नाम दिया है तो कंपनी का नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद बैलेंस शीट आएगा। लेजर फोलियो भी एक कॉलम बना देना, कोई दिक्कत नहीं है आपका। देखो यार, एक थोड़ा सा मेहनत करोगे प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर को जितना आप खुश करोगे एग्जामिनर उतना आपको मार्क्स देगा। आप लोग मान के चलना कि उसका बीवी से लड़ाई हुआ है, उसका बच्चा से कुछ गिफ्ट मांगा है, उसका मूड बहुत ख़राब है, तो आप लोग को प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आना चाहिए लॉ में और अकाउंट में। क्योंकि आपका कंप्यूटर चेक करेगा इकोनॉमिक्स और आपका मैथ्स, तो उसमें प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता और आप लोग को करना भी नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ICI का पोर्टल पे जाना है, जहां पर आपको परफेक्ट रिवीजन का एक टैब मिल जाएगा। वहां पे आप लोग को पूरा सब्जेक्ट का एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन के लिए दिया हुआ है। ये जरूर से परचेज करना रैंचो रिवीजन, जो 30 मिनट्स में आपको पूरा सिलेबस कवर करवा देगा, लेकिन उसको जरूर से भी चेक कर लीजिएगा। एक और चीज़ यह भी है कि वेटेज जरूर से देख के जाओ। ICI का स्टडी मटेरियल पे, ICI का पोर्टल पे आपको वेटेज दिखेगा, जो वेटेज आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जानी है। हर एक चैप्टर का वेटेज दिया है, उसके हिसाब से भी आप लोग पढ़ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो यार, CA फाउंडेशन ना आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है, मैंने बहुत बार कहा है कि आप लोग बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो, बस थोड़ा सा विल चाहिए। और यार, वो याद करो वो दिन जब आप लोग क्लियर कर लोगे ना, अपने पेरेंट्स के बताओगे कि मैं CA फाउंडेशन क्लियर कर चुकी हूँ, मैं फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुकी हूँ, वो बहुत अच्छा मोमेंट होगा। तो यार, पेन उठाओ यार, पेन ना बहुत, मतलब क्या बोलता हूँ, आप लोग यार पेन उठा लोगे ना तो पूरा दुनिया को आप लोग झुका सकते हो। यही CA फाउंडेशन है, ये फर्स्ट स्टेप है CA बनने के लिए, तो उसमें आपको पूरा दम झोंकना है, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए अपना दिल झोंको, पूरा मेहनत करो। 20 दिन है, आप लोग क्रैक कर सकते हो, ये मुझे भरोसा है आप पर।
और अभी के लिए आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। आप लोग कहीं से भी पढ़ाई क्यों ना किया हो, स्टडी मटेरियल को उठाओ और उसका हर एक चैप्टर का जो पीछे क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो। आपने उसे कर लिया ना, एज अ टेस्ट क्वेश्चन उसी से पूछ के आएगी, वहीं से आएगा आपका पूरा क्वेश्चन। तो स्टडी मटेरियल का पीछे का जितना भी क्वेश्चन है ज़रूर से जाके पढ़ाई उसे पढ़ाओ, उसे पूरा ध्यान से देखो। तो भाई मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप लोग अपना नाम के आगे CA लगा के कमेंट करना मत भूलना। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपना नाम के आगे CA लिखो और कमेंट करो। यही वो दिन आएगा जब आप लोग CA बन जाओगे ना, तो ये वीडियो में आके देखना कि मैंने उस दिन अपना कमेंट किया था नाम के आगे, आज मैं वो रियलिटी बन चुका हूँ। क्योंकि मैंने भी किया था जब मैं CA फंक्शन दे रहा था, और मैंने एक मैराथन लेक्चर में देखा था टीचर को बोलते हैं कि अपने नाम के आगे CA लगा के देखो। तो वो भी आप लोग कमेंट करिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, मुझे भरोसा यार आप लोग कर सकते हो, बस पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो।